नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हम सबके अपने गुरु डॉक्टर हनुमान सर और बाकी सब मास्टर्स होम्योपैथी के और अपने माता पिता और टीचर्स के आशीर्वाद से आज के सेशन को हम आरंभ करते हैं। पिछली बार हमने एपिडेमिक डिजीज में कैसे कैसे टेकिंग करनी है, क्या करना है वो हमने समझा, और आज अगले चरण को हम यानी कि केस टेकिंग की पूर्ण आहुति की ओर हम आगे बढ़ रहे कि एफोरिज्म नंबर 102, इन द कोर्स ऑफ राइटिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ सेवरल केसेस ऑफ दिस काइंड द स्केच ऑफ द डिजीज पिक्चर बिकम्स एवर मोर एंड मोर कंप्लीट। एपिडेमिक डिजीज की जो केसेस है उनके काफी सारे केसेस की सिम्टम्स को राइट डाउन करते करते हमें एक स्केच बन जाता है, डिजीज पिक्चर का जो स्केच है वो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होते जाता है। नॉट मोर स्पन आउट एंड वर्बोस बट मोर सिग्निफिकेंट। लंबा लंबा कुछ उसकी सिम्टोमेटोलॉजी नहीं, लेकिन ऐसा पिक्चर नहीं जिसमें काफी जनरल बातें हो, बल्कि मोर सिग्निफिकेंट, मोर कैरेक्टरिस्टिक एंड इंक्लूडिंग मोर ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ दिस कलेक्टिव डिजीज। ये जो कलेक्टिव डिजीज क्यों, क्योंकि ये पूरे पूरे जो भी एरिया है उन सब की कॉन्शियसनेस एक तरीके की हो गई, तो इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। ये थियोरी है कार्ल जंग की कि जिसमें वो समझाते हैं कि दो तरीके की कॉन्शियसनेस उन्होंने समझाई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एज वेल एज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स सबकी कॉन्शियसनेस एक जैसी हो गई। वर्ड भी हनुमान सर ने कैसा लिया है, कलेक्टिव, यानी कि वो 350 साल पहले भी ये इन सब चीजों से परिचित थे, तो उन्होंने यही वर्ड लिया कि कलेक्टिव डिजीज, यानी कि सबके सबको एक ही डिजीज है, सबकी कॉन्शियसनेस एक तरीके की है। क्योंकि आजकल जो हम डिजीज को समझते हैं कि डिजीज एक थॉट से, हमारे परसेप्शन से पैदा हो रही है, तो हमारी कॉन्शियसनेस से पैदा हो रही है, तो यानी कि हम सबकी जो भी इपिडेमिक डिजीजेज में होते हैं, जो पीड़ित है इपिडेमिक डिजीज से, उन सब की जो डिजीज होगी वो कैसी होगी, कलेक्टिव डिजीज, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो उनकी पिक्यूलैरिटीज से भरी हुई जो स्केच होगी, पिक्चर होगी, दैट इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इपिडेमिक डिजीज। तो उसमें काफी सारे पेज नहीं भरने हैं, काफी सारे 10 15 20 सिम्टम नहीं लेने, हमें 2 3 सिम्टम मिल जाने चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक हो, जो उस कलेक्टिव डिजीज की पिक्यूलियरिटी हो। ऑन द वन हैंड द जनरल सिम्टम्स लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेसनेस एटसेट्रा बिकम प्रिसाइसली डिफाइंड एज टू देयर पिक्यूलियरिटीज, एंड ऑन द अदर मोर मार्क एंड स्पेशल सिम्टम्स विच आर पिक्यूलियर टू बट फ्यू डिजीजेज एंड ऑफ रेयर अकरेंस एटलीस्ट इन द सेम कॉम्बिनेशन बिकम प्रोमिनेंट एंड कंस्टिट्यूट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मैलेडी। उसमें एक तरफ तो ये आ सकता है कि जो जनरल सिम्टम जो जो पिक्यूलियर हो जाए, जैसे मैंने आगे लॉस ऑफ एपेटाइट का एक एग्जाम्पल दिया था कि एक केस आया था जिसमें मुझे मिला था एपेटाइट वॉन्टिंग विथ आई थिंक लॉ एपेटाइट वॉन्टिंग विथ मैंने समझाया था एपेटाइट वांटिंग विथ वूपिंग कफ। तो वो क्या हुआ, उस एपेटाइट वांटिंग एक जनरल सिम्टम है लेकिन उसको पिक्यूलियरिटी मिल गई कि विथ वूपिंग कफ, तो ये पिक्यूलियर हो गए। एक तरफ ऐसे सिम्टम आते हैं कि जो जनरल सिम्टम हो लेकिन वो उसको पिक्यूलियरिटी डिफाइंड की गई हो प्रिसाइजली, तो वो एक पिक्यूलियर सिम्टम हो जाता है। दूसरी तरफ
ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम जो काफी ज्यादा मार्क्ड हो, काफी स्पेशल सिम्टम हो, जो पिक्यूलियर हो और काफी कम डिजीज में, काफी रेयर अकरेंस में होता है, तो ये सब कंबाइन होके इस मेलेडी की यानी कि इपिडेमिक डिजीज की, उस इपिडेमिक डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक और बनाते हैं और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन से उसका पिक्चर बन जाता है। ऑल दोज अफेक्टेड विथ डिजीज प्रिवेलिंग एट अ गिवन टाइम हैव सर्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स एंड हैंस आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज। और ये सब बीमार, ये जो बीमारी से सब लोग अफेक्टेड हुए, उन सब की उसी टाइम फ्रेम में, गिवन टाइम में, चौकसता के साथ एक ही सोर्स से वो कांटेक्ट हो गए और उससे इन्फेक्टेड हो गए और उन सबको एक ही डिजीज हुआ, इपिडेमिक डिजीज हुआ, सफरिंग विद द सेम डिजीज। बट द वॉल एक्सटेंट ऑफ सच एन इपिडेमिक डिजीज एंड द टोटलिटी ऑफ इट्स सिम्टम द नॉलेज वेयर ऑफ विच इज एसेंशियल फॉर एनेबलिंग अस टू चूज द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर दिस एरे ऑफ सिम्टम्स इज ऑब्टेन्ड बाय अ कंप्लीट सर्वे ऑफ द मॉर्बिड पिक्चर। तो ये जो टोटालिटी बनती है इस तरीके से, जो उसकी जो वॉल एक्सटेंट होती है एपिडेमिक डिजीज और उसकी टोटालिटी, उसकी नॉलेज कैसे हमें मिली, काफी सारे सिम्टम्स को कंप्लीट सर्वे करके हमें जो पिक्चर मिलता है, दैट इज अ टोटालिटी ऑफ सिम्टम ऑफ एपिडेमिक डिजीज। जो एसेंशियल रहता है सुटेबल दवाई को चूज करने के लिए, सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी तक पहुंचने के लिए हमें हमें ये प्रोसेस करनी होगी। तो ये जो नॉलेज मिलता है वो हमें काफी सर्वे करने कंप्लीट सर्वे करने के बाद हमें मिलता है। तो ये जो टोटालिटी ऑफ डिजीज है और सिम्टम है और उसकी एपिडेमिक डिजीज की एक्सटेंट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम वन सिंगल पेशेंट। एक सिंगल पेशेंट को ध्यान पूर्वक एग्जामिन करने से पता नहीं किया जा सकता, बट इज ओनली टू बी परफेक्टली डेड्यूस्ड एंड एसरटेन, यानी कि डिडक्टेड एंड एसरटेन फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ सेवरल पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूशंस। अलग अलग कंस्टिट्यूशन की अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी को जानने से, उसको एग्जामिन करने से, सेवरल पेशेंट को एग्जामिन करने से हमें एसरटेन होगा, हमें मिलेगा, हम डिडक्ट कर पाएंगे कि भाई कुल मिला के ये बीमारी है, उसकी ये दवाई है। तो जीनस इपिडेमिकस तक पहुंचने के लिए हमें काफी सारे पेशेंट को एग्जामिन करना होगा। इसमें एक फुटनोट आती है, फुटनोट नंबर 92 कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कि द फिजिशियन हु हैज ऑलरेडी इन द फर्स्ट केसेस बीन एबल टू चूज अ रेमेडी अप्रोक्सीमेटिंग टू द होम्योपैथिक स्पेसिफिक विल फ्रॉम द सब्सिक्वेंट केसेस बी इनेबल्ड आइदर टू वेरीफाई द सुटेबलनेस ऑफ द मेडिसिन चूजन और टू डिस्कवर अ मोर अप्रोप्रिएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। जो फिजिशियन पहले केसेस में से ही चूज कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाई को, होम्योपैथिक स्पेसिफिक दवाई, स्पेसिफिक यानी कि किस किस के लिए स्पेसिफिक, उस इपिडेमिक डिजीज उस टाइम पे जो इपिडेमिक डिजीज हुआ है उसके लिए जो स्पेसिफिक दवाई को चॉइस करने में सक्षम होते हैं, उनको सब्सिक्वेंट केसेस देखने से वो उस सुटेबलनेस को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करने में सक्षम हो जाते हैं, या फिर उसकी जगह पे एक और अच्छी बेहतर अप्रोप्रिएट दवाई चॉइस कर सकते हैं। तो जो जो फिजिशियन पहले पहले केस से ही पता चल जाए, उनको दिमाग में आ जाए कि ये सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है, तो फिर हाँ वो सब्सिक्वेंट केस से उसको रिकन्फर्म करता है या फिर उसकी जगह पे मोर अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी है वो फिक्स करता है। एफोरिज्म नंबर 103, इन द सेम मैनर एज हैज बीन हैज हियर बीन टॉट रिलेटिव टू द एपिडेमिक डिजीज, जिस तरीके से यहाँ पर एपिडेमिक डिजीज के बारे में सिखाया गया, विच आर जनरली ऑफ एन एक्यूट कैरेक्टर, की जो एक्यूट कैरेक्टर का होता है, माइजमेटिक क्रॉनिक मेलेडीज विच एज आई हैव शोन ऑलवेज रिमेन द सेम इन देयर एसेंशियल नेचर। उसी तरीके से क्रॉनिक बीमारियां, माइजमेटिक क्रॉनिक बीमारियां जो यहाँ पर हनुमान सर दिखा रहे,
या हनुमान सर ने ऑलरेडी आगे दिखा दिया, उस वो माइजमेटिक क्रॉनिक बीमारियां, यानी कि तीन माइजम है, तीन क्रॉनिक बीमारियां हैं माइजमेटिक, दैट इज सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। उसकी भी जो एसेंशियल नेचर है वो भी सेम ही रहती है, यानी कि एक केस में से आपको पूरी बात नहीं पता चलने वाली, स्पेशली द सोरा। सोरा के बारे में ज्यादा ऐसा है, मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एज टू द वॉल स्फीयर ऑफ द सिम्टम्स। उसकी स्फीयर ऑफ सिम्टम्स को जानने के लिए आपको काफी सारे पेशेंट देखने होंगे, जानने होंगे, समझने होंगे, इन्वेस्टिगेट उसी तरीके से करना ही होगा, इन अ मच मोर माइनट मैनर देन हैज एवर बीन डन बिफोर। उतनी सूक्ष्म तरीके से कि जितने सूक्ष्म तरीके से आपने पहले कभी नहीं किया है, उतने सूक्ष्म तरीके से आपको सिम्टम्स की छानबीन करनी होगी। फॉर इन देम ऑल्सो वन पेशेंट ओनली एक्सिबिट्स अ पोर्शन ऑफ द सिम्टम्स, और उसमें भी एक पेशेंट सिर्फ उसका पोर्शन, एक ही पोर्शन एग्जिबिट करता है, यानी कि दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अ सेकंड, अ थर्ड एंड सो ऑन प्रेजेंट सम अदर सिम्टम्स, दूसरा पेशेंट दूसरे एक पार्ट को, तीसरा पेशेंट तीसरे एक पार्ट को, और काफी ऐसे चलती रहती है, यानी कि हर एक पेशेंट हमारी दवाइयों की सिर्फ कुछ पार्ट को ही निर्देशित करेगी, प्रदर्शित करेगी, पूरे सिम्टोमेटोलॉजी, दवाई की पूरी सिम्टोमेटोलॉजी को प्रदर्शित नहीं करने वाली। ये रेमेडी की और मैंने आपको समझाया, सोरा के सिम्टम जो है वो कुछ ही सिम्टम सल्फर में है, कुछ सिम्टम एनाकार्डियम में है, कुछ सिम्टम लाइकोपोडियम में है, कुछ सिम्टम नक्सोमिका में है, कुछ सिम्टम ऐसे अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देती है, और इन सबको मिला दे तो हमें पता चलेगा कि सोरा की एक्सटेंट कितनी है। पोर्शन सो ऑन प्रेजेंट सम अदर सिम्टम्स विच ऑल्सो आर बट दिस सिवियर एज इट वेयर पोर्शन ऑफ द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स विच कंस्टिट्यूट द एंटायर एक्सटेंट ऑफ दिस मेलेडी। तो इन सबको इकट्ठा करेंगे तब हमें उसकी टोटालिटी, एंटायर एक्सटेंट ऑफ सोरा मिलेगा उसकी टोटालिटी से। तो ये टोटालिटी का पोर्शन है, अलग अलग पेशेंट से जो हमें सिम्टोमेटोलॉजी मिलती है वो उसका पोर्शन है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। सो दैट द वॉल एरे ऑफ द सिम्टम्स बिलोंगिंग टू सच माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज, इसीलिए ये पूरे सिम्टम्स इस क्रॉनिक माइजमेटिक डिजीज की और निर्देशित करते हैं, स्पेशली टू द सोरा, कैन ऑनली बी एसरटेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी मैनी सिंगल पेशेंट्स अफेक्टेड विद सच अ क्रॉनिक डिजीज। सोरा के बारे में ऐसा ही है कि काफी सारे सिंगल पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद सोरा के सिम्टम्स मिलते हैं, एंड विदाउट द कंप्लीट सर्वे एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस सिम्टम्स द मेडिसिन कैपेबल ऑफ क्योरिंग द वॉल मेलेडी होम्योपैथिकली टू विद द एंटीसोरिक्स कैन नॉट बी डिस्कवर्ड। तो इसकी कंप्लीट सर्वे करने के करे बगैर, कंप्लीट सर्वे करे बगैर, इसकी कंप्लीट पिक्चर को, कलेक्टिव पिक्चर को देखे बगैर हम इनकी दवाइयों तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि एंटीसोरिक दवाइयों तक नहीं पहुंच सकते, कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, एंड दीज मेडिसिन्स आर एट द सेम टाइम, और ये दवाइयां उसी समय द ट्रू रेमेडीज ऑफ सेवरल पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सच क्रॉनिक अफेक्शंस। ऐसे क्रॉनिक अफेक्शन से जो सफर हो रहे उन काफी सारे पेशेंट्स की ये ट्रू रेमेडीज हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम प्रूव कोई भी दवाई प्रूव करें तो हमें उसकी सोरा के लेवल की प्रूविंग करनी होगी, तब जाके उसकी कलेक्टिव पिक्चर बनेगी दवाई की, और वो हमें फायदा करेगी चॉइस करने में जब हम उस तरीके की बीमारियों को ट्रीट करते हैं। लास्ट एफोरिज्म है इस जर्नी का, केस टेकिंग की जर्नी का, फिर हम केस टेकिंग के बाद हम ड्रग प्रूविंग की ओर चल पड़ेंगे। एफोरिज्म नंबर 104, व्हेन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स दैट स्पेशली मार्क एंड डिस्टिंग्विश द केस ऑफ डिजीज, और इन अदर वर्ड्स व्हेन द पिक्चर ऑफ डिजीज व्हाटएवर बी इट्स काइंड
इज वंस एक्यूरेटली स्केच्ड। जब भी टोटालिटी ऑफ सिम्टम मार्क हो जाए, डिस्टिंग्यूश हो जाए, हमारे सामने जो केस आया है बीमारी का, उसकी टोटालिटी बन जाए, दूसरे शब्दों में कहे तो उसका पूरा पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाए बीमारी का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो या सब एक्यूट हो, कुछ भी हो, इज वंस एक्यूरेटली स्केच्ड, एक बार वो पूरी तरह से सही तरीके से वो स्केच हो जाए, उसका पिक्चर बन जाए, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ टास्क इज अकम्प्लिश। तो फिर हमारा सबसे जो डिफिकल्ट टास्क था वो खत्म हो जाता है यहाँ पर, यानी कि आपका 80% केस क्योर हो जाता है, यानी कि जो क्योर की प्रोसेस वो 80% खत्म हो जाती है। सो अब सिर्फ उसकी टोटालिटी में से उसकी टोटालिटी को सिमिलिमम हो ऐसी दवाई चॉइस करनी है, उसको प्रॉपर डोज में देनी है और फिर फॉलोअप्स देखने हैं, उसमें भी हमें फॉलोअप अच्छी तरीके से जज करना है, वो सिर्फ 20% पार्ट रह जाता है। 80% पार्ट क्यों डिफिकल्ट ये टास्क है, क्योंकि क्योंकि केस टेकिंग करना एक आर्ट और साइंस दोनों है, और उसमें हमें काफी क्वेश्चनरी फ्रेमिंग करनी होती है, उसमें हमारी नॉलेज यूज होती है, हम कितना ह्यूमन नेचर के बारे में जानते हैं, हमारे सेंसेस कैसे, हम कितने फिजिबल है कोई भी केस को हैंडल करने में, चाहे हाइपोकॉन्ड्राइक है, हिस्टेरिकल है, या फिर कम बोलने वाला है या ज्यादा बोलने वाला है, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, कैसा भी पेशेंट हो, हम डिजीज पिक्चर को ट्रेस कर पाए, उसमें हम इनेबल्ड हो, तो तब जाके हम पूरा स्केच बना सकते हैं, तब तक ये पार्ट डिफिकल्ट, जब बना ले तो ये डिफिकल्ट नहीं रहता है। द फिजिशियन हैज देन द पिक्चर ऑफ द डिजीज, स्पेशली इफ इट बी अ क्रॉनिक वन, पेशेंट के पास वो पिक्चर आ जाती है कि स्पेशली जब ये क्रॉनिक नेचर का होता है, उस डिजीज का पिक्चर उसके पास आ जाता है, ऑलवेज बिफोर हिम टू गाइड हिम इन हिज ट्रीटमेंट। अब वो उसको गाइड करेगा उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, ही कैन इन्वेस्टिगेट इन इन ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन पिक आउट द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अब उसको सिर्फ उस केस टेकिंग की पार्ट को हमें पूरा देखना है, उसमें से क्या पिक्यूलियर एंड करेक्टरिस्टिक है उसको उठाना है, इन ऑर्डर टू अपोज टू दिस, जिससे वो इसकी हूबहू सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करे, ऐसी दवाई हम सिलेक्ट कर सके, क्योंकि सिम्टोमेटोलॉजी की जो सिमिलिमम होनी चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलिमम होनी चाहिए, ना कि हर एक सिम्टम को हमें अपोज करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ही राइट चॉइस ऑफ रेमेडी तक पहुंचाती। दैट इज टू से द वॉल मेलडी इट्सेल्फ अ वेरी सिमिलर आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक फोर्स इन द शेप ऑफ अ होम्योपैथिकली चूजन मेडिसिनल सब्सटेंस सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑल द मेडिसिन्स हुज प्योर इफेक्ट्स हैव बीन एसर्टेन। तो यानी कि वही बात है कि हम ऐसी दवाई चॉइस कर सके जो हूबहू ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करती हो, जिसकी इफेक्ट्स प्रूव हो गई है, ऐसी प्रूवन दवाई से, और जिसकी प्योर इफेक्ट्स ऐसी प्रूव हो गई है, उसमें से हमें दवाई को सिलेक्ट करना है, होम्योपैथिकली मेडिसिनल होम्योपैथिकली चूजन मेडिसिनल सब्सटेंस सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑल द मेडिसिन हुज प्योर इफेक्ट्स हैव बीन एसर्टेन। यानी कि जो दवाई अच्छे से प्रूव्ड है उसमें से हमें चॉइस करनी है, ना कि कोई रेयर दवाई जिसकी प्रूविंग आधी अधूरी है या वेल प्रूव्ड नहीं है या जिसकी प्रूविंग उतनी डेप्थ तक नहीं है जितनी हनुमान सर ने की है या हेरिंग सर ने की है या फिर कैंट सर ने की है, जो इन मास्टर्स ने दवाइयों को प्रूव किया है, उतनी डेप्थ तक अगर उसकी प्रूविंग नहीं है तो फिर हमें उन दवाइयों को छोड़ना होगा। तो प्योर इफेक्ट्स पता होनी चाहिए, ऐसी दवाइयों में से हमें चॉइस करना है। एंड वेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही विशेष टू एसरटेन वॉट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड वॉट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द पेशेंट स्टेट एट दिस फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट ही ऑनली नीड्स टू स्ट्राइक आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स नोटेड डाउन एट द फर्स्ट विजिट दोज दैट हैव बिकम एमिलोरेटेड। अब दूसरी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर हमें जानना है कि
दवाई के बाद क्या इफेक्ट आई। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वापस पहले पन्ने पे आ जाना है, पहले पेज पे आ जाना है जहां पर हमने चिप कंप्लेंट और उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट लिखी है, उस पेज पे आ जाना है। और उसमें से हमें इस फ्रेश एग्जामिनेशन में सिर्फ हमें वही स्ट्राइक आउट करना है कि भाई कौन से सिम्टम एमिलोरेट हुए, कौन से बाकी रह गए, और उसमें ऐड करना है कौन से नए सिम्टम आए। तो ये चीजें हमें करनी है प्रैक्टिकली, सबको पता है ये करना है लेकिन कोई करता नहीं। तो हम जब भी फॉलोअप ले तो फॉलोअप में सबसे पहले पहला पेज खोलना है, उसमें हर एक सिम्टम के बारे में पूछना है कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा। तो हमें पता चलेगा कि अब ये सिम्टम गया, ये बाकी है, ये सिम्टम गया, ये बाकी है। दूसरे फॉलोअप में आएगा तो हमें ये पता चलेगा कि वो दो चले गए थे और एक तीसरा गया, अब एक चौथा बाकी। तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि क्योर कैसे होता है। आपकी पेशेंस बढ़ेगी, ऐसा करने से आपकी पेशेंस बढ़ेगी, आपके अंदर पेशेंस का जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट बढ़ेगा और जागरूक होगा। वरना लोग काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इतना इतनी धीरज तो कौन रखता है, पेशेंट भी नहीं रखता। मैं उनको हमेशा समझाता हूँ, पहले पेशेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या हम कॉन्फिडेंट है अपने प्रिस्क्रिप्शन पे? अगर कॉन्फिडेंट है तो पेशेंस आ जाती है अपने आप, वो आ जाएगी। आप देख पाएंगे कि ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, यानी कि दवाई राइट है, काम कर रही है, वाइटल फोर्स अपना काम कर रहा है, तो वो रिकवर हो जाएगा। तो वो प्रोसेस आपको दिमाग में होनी चाहिए और बिलीफ होनी चाहिए। जो ये क्वांटम साइंस और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझाते हैं, वो क्या समझाते हैं कि बिलीफ होनी चाहिए। अगर आपकी बिलीफ हो कि पेशेंट अच्छा हो रहा है तो होगा, अगर आपकी ही बिलीफ नहीं है कि नहीं ये डाउटफुल है कि ये सच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या चीज जरूरी है? नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, इन सब के बारे में अगर नॉलेज होगा तो आप डाउट में नहीं रहेंगे, आपको पता चलेगा कि पेशेंट अच्छा हो रहा है। तो फिर से उसी को स्ट्राइक आउट करते जाना है, और नए सिम्टम आए हो तो उसको एड ऑन कर लेना है कि भाई ये नया सिम्टम। तो उसमें देखना है कि भाई वो दवाई का है, एसेसरी सिम्टम है, या फिर डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जब भी मेरे मेरे पास कोई क्रॉनिक पेशेंट ऐसा आता है और उसमें नए सिम्टम आए, तो मैं तुरंत जाके पहले उस नए सिम्टम को देखता हूँ कि क्या वो दवाई में है, दवाई की जो स्पीयर ऑफ एक्शन है, पैथोजिनेसिस के एक्शन है, उसमें ये सिम्टम पड़ा हुआ है। अगर है तो फिर मैं, अगर वो सिम्टम है और वो सिम्टम पेशेंट के अंदर काफी माइल्ड फॉर्म में है, तो फिर मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, और काफी सारे पेशेंट में ऐसे वो चला भी गया है अपने आप। उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चला जाता है, वाइटल फोर्स उसको रिकवर कर सकता है, लेकिन वो माइल्डर फॉर्म का होना चाहिए। इसमें दो फुटनोट आई है, सॉरी एक फुटनोट आई, 93, फुटनोट नंबर 93 स्केच के लिए है कि ओल्ड स्कूल फिजिशियन गेव हिमसेल्फ वेरी लिटल ट्रबल इन दिस मैटर इन हिज मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ओल्ड स्कूल फिजिशियन इस मैटर में काफी कम तकलीफ लेते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं। किस मैनर में? पूरा पिक्चर बनाने, यानी कि केस टेकिंग करने। ही वुड नॉट लिसन टू एनी माइनर डिटेल ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंस ऑफ हिज केस बाय द पेशेंट। पेशेंट के द्वारा जो उसकी केस के बारे में जो सर्कमस्टेंसेस बता रहे, उसकी माइनर डिटेल के लिए वो सुनते भी नहीं। एंड इनडीड ही फ्रीक्वेंटली कट हिम शॉर्ट इन हिज रिलेशन ऑफ हिज सफरिंग। और वो बार बार, तो अगर वो बोलता हो कि सर मुझे अंदर से जैसे कुछ कट रहा हो ऐसा, तो उसको कट कर दे, नहीं ये सर ये नहीं मुझे समझ में आ गया, ऐसा बोल देते। ठीक है हम देख लेते। तो ही फ्रीक्वेंटली कट हिम शॉर्ट इन हिज रिलेशन ऑफ हिज सफरिंग। उसकी सफरिंग के बारे में अगर कुछ वो बता रहा है तो भी वो उसको बंद करवा देता, इन ऑर्डर दैट ही माइट नॉट बी डिलेड इन द रैपिड राइटिंग ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शन, जिससे वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखने में वो जो
देर ना हो जाए, उसकी जो रैपिड राइटिंग है प्रिस्क्रिप्शन की, उसमें देर ना हो जाए, उसके लिए वो उसको कट करता है, बंद करवा देता है, उसको नहीं बोलने देता। और उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी कैसी हुई, कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स अननोन टू हिम इन देयर इफेक्ट्स, जिसके बारे में वो जानता नहीं है कि इसमें कैसे पदार्थ है और उस पदार्थ की राइट ट्रू इफेक्ट क्या है, सच्ची इफेक्ट क्या है बॉडी में जाके, उसके बारे में भी वो जानता नहीं। ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का भरा हुआ, और एक नहीं काफी सारे इंग्रेडिएंट्स से भरे हुए प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। नो एलोपैथिक फिजिशियन एज हैज बीन से, जैसे यहाँ पर किया गया है, नो एलोपैथिक फिजिशियन साउट टू लर्न ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पेशेंट्स केस। यहाँ पर हनुमान सर ने सर्कमस्टेंसेस लिखा हुआ है, सर्कमस्टेंसेस यानी घटनाएं, बनाव, उसकी लाइफ में क्या क्या हो चुका उसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता, कोई एलोपैथिक फिजिशियन ये जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एज अ होम्योपैथ हम इसको जानते, सुनने की तकलीफ लेते हैं और सुनना भी चाहते हैं क्योंकि हमें दवाई ढूंढनी। एंड स्टिल लेस डीड ही मेक अ नोट और इन राइटिंग ऑफ देम, और उसमें से काफी सारी चीजें तो वो लिखता भी नहीं। आप देखते होंगे जब फाइलें आपके पास पेशेंट लेके आता है तो हम देखते हैं तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ एनएडी एनएडी ये सब लिख के। और काफी सारे ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो डायग्नोसिस या प्रोविजनल डायग्नोसिस भी लिखने की तसदी नहीं लेते और सीधा प्रिस्क्रिप्शन आ जाता। ऑन सीइंग देम द पेशेंट अगेन सेवरल डेज आफ्टरवर्ड्स ही रिकलेक्टेड नथिंग कंसर्निंग द फ्यू डिटेल्स ही हैड हियर्ड एट द फर्स्ट विजिट। और जब उसको देखते पेशेंट को लगातार कई दिनों तक, उसको कई दिनों के बाद वो वापस आता है और उसको देखता है तो वो उसको तकलीफ होती है कि भाई पेशेंट ने क्या बोला था। ही रिकलेक्टेड नथिंग कंसर्निंग द फ्यू डिटेल्स ही हैड हियर एट द फर्स्ट विजिट, उसके उसके सिवाय उसको कुछ कुछ बातें पता होगी, उसके सिवाय और कुछ नहीं पता होगा। हैविंग इन द मीन टाइम सीन सो मेनी अदर पेशेंट लेबरिंग अंडर डिफरेंट अफेक्शंस, उसी तरीके क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में जो कुछ दिनों के बाद आया, वो कुछ दिनों में उन्होंने काफी सारे पेशेंट को देख लिया अलग अलग अफेक्शंस के, इसकी वजह से उसको फर्स्ट विजिट में पेशेंट ने क्या बोला उसके बारे में कुछ नहीं पता। ही हैड अलाउड एवरीथिंग टू गो इन एट वन ईयर एंड आउट टू द अदर, उसने अपने आप को अलाउ कर दिया है कि एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल दे। और क्या बोलते हैं कि एट एट सब्सिक्वेंट विजिट्स ही ओनली आस्क्ड अ फ्यू जनरल क्वेश्चंस, वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ फीलिंग द पल्स एट द रिस्ट, लुक्ड एट द टंग एंड एट द सेम मोमेंट ब्रॉट अनदर प्रिस्क्रिप्शन। और सब्सिक्वेंट विजिट में भी ऐसे ही जनरल क्वेश्चन चलते रहते हैं, कैसा है, दर्द है, नहीं है, बस ऐसे ही जनरल क्वेश्चन चलते रहते हैं। एंड वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ फीलिंग द पल्स एट द रिस्ट, फिर वो पल्स चेक करते हैं, लुक एट द टंग, टंग देखते हैं, एंड और फिर उसी मोमेंट में वो एक अलग प्रिस्क्रिप्शन फिर से लिख देते हैं। ऑन इक्वली इरेशनल प्रिंसिपल्स, उसी उसी इरेशनल यानी कि जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसा बिना आधार वाले प्रिंसिपल्स के बेस पे वो फिर से एक नया प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और ऑर्डर द फर्स्ट वन टू बी कंटिन्यू, या फिर कह देते कि वही दवाई फिर से 5 दिन ले लो। इन कंसिडरेबल क्वांटिटी सेवरल टाइम्स अ डे, हम देखते रहते हैं कि बीडी टीडीएस 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ ये चलती रहती है प्रिस्क्रिप्शन। एंड विथ अ ग्रेसफुल ब्लो बो, या और साथ में वो ग्रेसफुल बो यानी कि टाई पहनी हो, जिस जो टाई पहनते हैं ना उसको बो कहते हैं, उसके साथ ही हरीड ऑफ द 50th और 60th पेशेंट ही हैड टू विजिट इन हिज थॉटलेस वे इन द सेम इन द कोर्स ऑफ दैट फॉरनून, कि दोपहर तक मुझे 50-60 केस देख लेने, और उससे फिर हम ग्रेसफुली भी फील करते हैं, बोलते हैं कि मैंने आज तो 50-60 पेशेंट देख लिए दोपहर तक उसी थॉटलेस वे में। लेकिन फिजिशियन तो अनकॉन्शियस है इसके बारे में, एलोपैथिक फिजिशियन की बात करें। द प्रोफेशन विच ऑफ ऑल अदर्स रिक्वायर्स एक्चुअली
द मोस्ट रिफ्लेक्शन। और ये प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें हमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, एक्स नहीं है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट, ये आगे भी काफी बार मैंने समझाया हुआ है। रिफ्लेक्ट मीन्स जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है, और रिफ्लेक्स जो हमारे ओल्ड ब्रेन से आता है, यानी कि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है, ये हमारे कॉन्शियसनेस से आता है, सुपर कॉन्शियसनेस से आता है। तो एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर हमें सुपर कॉन्शियसनेस की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, अ कंशेंशियस एग्जामिनेशन की जरूरत है, केयरफुल एग्जामिनेशन की जरूरत है ऑफ द स्टेट ऑफ ईच इंडिविजुअल पेशेंट। हर एक इंडिविजुअल पेशेंट की स्टेट को हमें केयरफुली एग्जामिन करना है, कंशेंशियसली एग्जामिन करना है, प्रामाणिक तरीके से, एंड अ स्पेशल ट्रीटमेंट फाउंडेड देयर ऑन। और उसी हिसाब से हमें स्पेशल ट्रीटमेंट को ढूंढने की जरूरत है, ऐसा प्रोफेशन है वॉज कंडक्टेड इन दिस मैनर। और ऐसा प्रोफेशन इस तरीके से उसको कंडक्ट किया हुआ है, कंडक्ट यानी कि उसके नियम लॉज को कंडक्ट किया हुआ है बाय पर्संस हु कॉल्ड देमसेल्फ फिजिशियन। ऐसे पर्सन जो अपने आप को फिजिशियंस कहते हैं, रेशनल प्रैक्टिशनर कहते हैं, उससे ये प्रोफेशन चल रहा है। द रिजल्ट एज माइट नेचुरली बी एक्सपेक्टेड, और परिणाम क्या होगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेचुरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बैड। और खरेखर ये चौकसता के साथ ये खराब ही इसके रिजल्ट आने वाले, एंड येट पेशेंट्स हैड टू गो टू देम। और ये समय की, ये इस कलयुग की इतनी हम कह सकते हैं कि मिजरेबल मोमेंट है कि फिर भी पेशेंट को उसी के पास जाना होता है फॉर एडवाइस, पार्टली बिकॉज दे वेर नन बेटर टू बी हैड, क्योंकि उसके पास इससे बेहतर कुछ नहीं है, पार्टली फॉर फैशन शेक, और दूसरा है पार्टली क्योंकि एक फैशन चल रही है कि भाई हम तो ये फलाना सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, इस स्पेशलिस्ट को दिखाते, तो फैशन, और उसके पास और कुछ बेहतर तरीका नहीं है उसकी वजह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना ने, थैंक यू टू द कोरोना, क्योंकि कोरोना ने इस जो ये पार्ट है कि उनके पास और कुछ बेहतर नहीं है, उसको हटा दिया है, ये पार्ट अब नहीं रहा, क्योंकि कोरोना ने होम्योपैथी को इतना लाइट बना दिया, इतनी इतने लाइटफुल बना दिया कि काफी लोगों को पता चल गया कि होम्योपैथी एक अच्छा साइंस है। तो थैंक यू टू कोरोना और उस समय को जिन्होंने होम्योपैथी को प्रकाशित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।